गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच मैथ्स. ओके, सो नाउ चैप्टर इज वन, प्री नंबर कॉन्सेप्ट. प्री नंबर कॉन्सेप्ट, इसमें हमें जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये देखो, आपको ये जो फोटो दिख रही है, पिक दिख रही है, इसमें क्या क्या है? देखो, ट्रीज है, बलून है, मम्मा है, उसका उसके 2 बेबीज़ है. ओके, बॉल है और डक है, डक के बेबीज़ है, और फिश का बेबी. ठीक है, और ये पॉन्ड है. अब इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सी एंड सर्कल द फॉलोविंग. सी यानी कि ये जो पिक्चर है इसको देखना है, और इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो जो इसमें पूछेंगे उसको सर्कल करना है. तो फर्स्ट है द टॉल ट्री. इसमें हमें टॉल ट्री बताना है कौन सा है, विच वन टॉल ट्रीज. देखो ये ट्रीज ये रहे, एक तो ये वाला ट्री है, ये है, ये है, ये है, और एक ये पीछे एक और है. तो बताओ, सॉरी, ये पूरा ही एक पूरा ट्री है. तो इसमें से आपको टॉल कौन सा दिख रहा है, सोचो कौन सा ट्री लॉन्ग है, टॉल है. तो हमें इसको क्या करना है, सर्कल करना है. ठीक है, तो हमारा पहला हो गया. सेकेंड है द थिन चाइल्ड. द थिन चाइल्ड, अब देखो इसमें 2 चाइल्ड दे रखे हैं, एक तो है फैट और एक है थिन. तो इसमें से थिन कौन सा है, ये वाली. तो हमें इसको थिन को सर्कल करना है. ठीक है, सेकेंड इज कम्प्लीट. थर्ड इज द बिग फिश. अब इस पॉन्ड के अंदर आ जाओ, आपको फिश दिख रही है, ये देखो ये स्मॉल फिश है और ये बिग फिश है. तो हमें किसको करना है सर्कल, बिग फिश को सर्कल करना है. 3 कंप्लीट. 4 इज द बिग डक. अब देखो इसमें डक और डक के बेबीज हैं, तो बेबीज तो छोटे छोटे हैं, बिग कौन सा डक है, ये वाला. तो हमें इसको क्या करना है, बिग डक को सर्कल करना है. 4 इज कंप्लीट. नाउ 5th द हैवी बॉल. अब देखो हैवी बॉल कौन सी है, मैंने आपको 2 बॉल्स बताई थी, 1 बॉल एंड 2 बॉल्स. ये स्मॉल बॉल्स है, स्मॉल बॉल है और ये बिग बॉल है. तो हमें यहाँ पे हैवी बॉल को करना है, ये देखो ये हैवी है, इसको हम सर्कल करेंगे. द स्मॉल फिश, अब हमें स्मॉल फिश को सर्कल करना है. हमने बिग फिश को तो सर्कल कर लिया, अब स्मॉल फिश ये वाली है ना, यही है ना, अब हम इसे सर्कल कर देंगे. ओके, इट्स दैट क्लियर. ये हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारा बिगर एंड स्मॉलर. देखो बेटा, इसमें एक तो ये दे रखा है पपैया और एक दे रखी है चेरी. ठीक है, तो विच वन बिगर, इन दोनों में से बिगर कौन सा दिख रहा है आपको? यस, बिगर कौन सा है, पपैया इज बिगर. एंड स्मॉल, स्मॉल कौन सा है इसमें? यस, स्मॉल कौन सा दिख रहा है, चेरी. चेरी इज अ स्मॉल. ओके, तो अब हमें इस टाइप की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अब आपको पता चल गया, बिग और स्मॉल, जो चीज़ बड़ी होती है उसको बिग बोलते हैं और जो छोटी होती है उसको स्मॉल बोलते हैं. फर्स्ट है एक्सरसाइज टिक द बिगर ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या करना है, हमें बिगर ऑब्जेक्ट को टिक करना है. अब देखो इसमें क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है. पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जिराफ, एंड सेकेंड इज रैबिट, सॉरी. ठीक है, तो इसमें से बिगर कौन सा है, ये है. नो, ये बिगर नहीं है. विच वन बिगर ऑब्जेक्ट, यस, जिराफ इज बिगर. तो हमने इसको टिक कर दिया. ओके, एंड नाउ फैन एंड बल्ब. अब इन दोनों में से कौन सा बिगर है, ये वाला बिगर है क्या? नो, विच वन बिगर, फैन. अब देखो यहाँ पे 2 फिश है, 2 फिशेज में से विच वन बिगर, ये वाला बिगर है. नो, बिगर इज, यस, इट इज बिगर. ओके, ये भी बैग है, स्कूल बैग है, और ये वॉलेट है. विच वन बिगर, इट इज बिगर. नो, बिगर इज दिस वन. ओके, एंड नाउ कलर द बिगर ऑब्जेक्ट रेड एंड स्मॉलर पिंक. देखो बेटा, इसमें कलर करना है, बिगर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमें रेड कलर करना है. तो हमें रेड कलर जो है
बिगर कौन सा है, ये वाली अम्ब्रेला है बिगर, तो हमें इसमें कौन सा कलर करना है, रेड कलर, ओके। और स्मॉलर पिंक, ये स्मॉलर अम्ब्रेला है तो हमें इसके अंदर पिंक कलर करना है, गॉट इट। ठीक है, तो हमें ये वाली एक्सरसाइज बुक में करनी है, देख लीजिए आप, और एक ये एक्सरसाइज भी आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। थैंक यू।